हाँ जी बच्चों, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर, जिसका की नाम है सब्सिडरी बुक्स। ये हमारी बुक में चैप्टर नंबर 11 है। और सब्सिडरी बुक क्या होता है इसको हमें जानना है। देखिएगा कि जर्नल को हमने डिवाइड किया है दो कैटेगरी में। तो मैंने यहाँ पे लिखा है जर्नल इज सब डिवाइडेड इनटू बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एज देयर आर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन इन अ बिजनेस। मतलब बहुत सारी ट्रांजेक्शन होती हैं, उनको रिकॉर्ड करने के लिए हम कुछ बुक्स बनाते हैं, उनको हम जर्नल कहते हैं, जैसा कि हम जर्नल एंट्री सीख भी चुके हैं। और जर्नल को हम दो बुक्स में डिवाइड करते हैं। नंबर वन सब्सिडरी बुक, जिसको कि हम स्पेशल बुक भी कहते हैं, और नंबर टू जर्नल प्रॉपर, जिसको कि हम जनरल जर्नल भी कहते हैं। अब ये सब्सिडरी बुक जो होती है ये कितने टाइप की होती है, फर्दर हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं अलग अलग कैटेगरी में, अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं इसको। हम इसको पांच अलग अलग कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। तो आप बनाइएगा मेरे साथ में ये कैटेगरी। देर आर फाइव कैटेगरी ऑफ सब्सिडरी बुक। हाँ जी, लिखिएगा। नंबर वन तो कैश, कैश बुक क्या होता है हमने सीखा हुआ है, कैश ट्रांजैक्शंस के लिए होता है। नंबर टू परचेज बुक, नंबर थ्री सेल्स बुक। और जहां पे परचेज है वहां परचेज रिटर्न भी होगा, तो परचेज रिटर्न बुक। और जहां सेल्स है वहां सेल्स रिटर्न बुक भी होगी। ठीक है बच्चों, तो सब्सिडरी बुक को हम फर्दर, यानी कि स्पेशल बुक्स को हम फर्दर पांच कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक और सेल्स रिटर्न बुक। जनरल प्रॉपर के बारे में थोड़ी देर में जानेंगे। सबसे पहले कैश बुक क्या होता है, हम लोगों को अच्छे से मालूम है कि कैश बुक क्या होता है। कैश बुक के अंदर कैश की ट्रांजेक्शन होती है, कैश बुक के अंदर कैश बुक की ट्रांजेक्शन होती है। इनकमिंग ऑफ कैश और आउटगोइंग ऑफ कैश हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो पहली बात अगर मैं करूं यहाँ पे कैश बुक की, तो कैश बुक क्या है, यूज फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ कैश ट्रांजेक्शंस। यानी कि जितनी भी हमारी कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग होती है वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होती है। इसको हम कैश बुक चैप्टर के अंदर पढ़ भी चुके हैं, है ना। तो डेबिट साइड पे क्या आता है, इनकमिंग ऑफ कैश, इनकमिंग ऑफ कैश। और क्रेडिट साइड पे क्या आता है सर, आउटगोइंग ऑफ कैश। तो सिर्फ कैश से जुड़ी हुई ट्रांजेक्शन ही इसके अंदर रिकॉर्ड की जाती है, ये होता है कैश। इसके ऊपर एक पूरा चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। ओके, अब है हमारे पास में परचेज बुक, या फिर इसको हम परचेज जनरल भी कहते हैं। तो आप लिखिएगा परचेज बुक। नेक्स्ट आप लिखिए परचेज बुक या फिर परचेज जनरल। परचेज जनरल, ठीक है जी। अब इसके बारे में पहले लिखिए कि ये होता क्या है। ऑल द थिंग्स
विच इन विच कंपनी डील्स या फिर कंपनी डीलिंग इफ परचेज्ड ऑन क्रेडिट ऑन क्रेडिट यानी कि अगर उधार पे खरीदा जाए देन एंटर्ड इन परचेज बुक। अरे सर ये क्या कह रहे हैं, तो कैश परचेजेस को यहां पे नहीं लेंगे क्या? कैश परचेजेस को हम यहां पे नहीं लेंगे क्या? हमने तो कैश अकाउंट के अंदर कैश परचेजेस आते हुए भी देखे। बेटा मैं कैश परचेजेस की बात नहीं कर, मैं कैश अकाउंट की बात नहीं कर रहा, मैं परचेज बुक की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, परचेज अकाउंट नहीं, परचेज बुक की बात कर रहा हूँ। तो परचेज बुक में क्या आता है? ऐसी वस्तुएं जिसका कि हम व्यापार करते हैं नंबर वन, और जो कि क्रेडिट पे परचेज की गई हो। ठीक है, जो कि क्रेडिट पे परचेज की गई होती है। दीज गुड्स आर, आगे लिखिएगा, दीज गुड्स आर यूज्ड बाय कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग और रीसेल पर्पस। यानी कि यहां तो हम इससे चीजें बनाएंगे और या फिर इसको एज इट इज बेच देंगे। ठीक है, तो अब देखिएगा इस चीज को, अगर मान लीजिए कि कंपनी ने परचेज किया, एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, इसने परचेज किया, क्या परचेज किया है? क्लॉथ। ठीक है जी, और ये कौन सी कंपनी है? क्लॉथ कंपनी। कंपनी ने क्लॉथ परचेज किया है और ये क्लॉथ पर कंपनी है, या फिर इस कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया है। ठीक है जी, अच्छा ये जो क्लॉथ परचेज किया है ये भी दो तरीके से किया है, कैश पे और क्रेडिट पे। ठीक है जी, तो जो क्रेडिट पे हमने परचेज किया है, जो कंपनी ने क्रेडिट पे परचेज किया है जिसके अंदर की वो डील भी करती है, ये कहां चला जाएगा? परचेज बुक में चला जाएगा। ठीक है सर, जो कैश में परचेज किया है उसको सर कैश बुक में डालेंगे। बताया था ना मैंने भी थोड़ी देर पहले, कैश की इनकमिंग और आउटगोइंग। ठीक है जी, तो इस तरीके से हमें याद रखना है कि अगर एक कंपनी जिस चीज के अंदर डील कर रही है उस चीज को परचेज करती है, जैसे कि उसने क्लॉथ परचेज किया, क्रेडिट पे परचेज करे, नंबर वन तो क्या, गुड्स खरीदे, हाँ क्लॉथ गुड्स है इस कंपनी के लिए, और वो क्रेडिट पे खरीदी जाए तो परचेज बुक में आएगी, अगर कैश में खरीदी जाएगी तो कैश बुक में आएगी। ठीक है बच्चों, ओके। फर्नीचर जो इसने खरीदा था वो यूज के लिए खरीदा था, ओके सर। अच्छा अब इसके बारे में थोड़ा सा आगे और लिखिएगा, परचेज बुक इज ऑल्सो नोन एज invoice book. Invoice मतलब books, invoice मतलब वो जो बिल वगैरह हम देते हैं, और purchase day book. ठीक है जी, सो ट्रांजेक्शन अब इसके अंदर लिखेंगे हम नेट शेल में,
ट्रांजैक्शंस नॉट रिकॉर्डेड इन परचेज बुक, कौन सी होती है सर? नंबर वन कैश परचेजेस और नंबर टू परचेज ऑफ एसेट्स। ठीक है जी, ये दो तरीके की ट्रांजैक्शंस जो हैं ये हम परचेज बुक में नहीं लिखते। अच्छा ओके सर, अब परचेज बुक के अंदर रिकॉर्डिंग किस तरीके से होती है? ठीक है, इसको भी लिखेंगे। नेक्स्ट लिखिएगा रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस इन परचेज बुक हाँ जी, तो क्या कंटेंट है वो हमें लिखना है। लिखिए ट्रांजैक्शन रिकॉर्डिंग इन परचेज बुक ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस और बिल्स। Used by supplier, किसके द्वारा? supplier के द्वारा। And it contain following information, ठीक है जी। तो हम परचेज बुक कैसे लिखते हैं? जब हम किसी से क्रेडिट पे परचेज करने जाते हैं तो वो सप्लायर हमारे को क्या करता है? बिल या इनवॉइस इशू करता है और उसके अंदर जो भी डिटेल्स होती हैं उसके बिहाफ पे, उसके बेस पे हम परचेज बुक बनाते हैं। अब सर ये क्या डिटेल्स होती हैं? ये डिटेल होती है इस तरीके की, इसमें डेट होती है, ठीक है, इसमें पर्टिकुलर्स होते हैं। अच्छा पर्टिकुलर्स में क्या क्या होता है? पर्टिकुलर्स में होता है नेम ऑफ पर्सन फ्रॉम हूम गुड्स परचेज, और क्वांटिटी, रेट, अमाउंट और ट्रेड डिस्काउंट। और गुड्स परचेज, ठीक है जी। अच्छा और क्या और आता है इसके अंदर? इनवॉइस नंबर, यानी कि बिल के ऊपर एक प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, इनवॉइस नंबर। नहीं सॉरी, ये इनवॉइस नंबर क्या होता है? जो रिसिप्ट होती है या फिर जो पेमेंट, जो रसीद होती है हमारे पास में, उसके ऊपर उसका नंबर लिखा होता है 1 2 3 4 इस तरीके से। लेजर फोलियो,
ठीक है जी, और डिटेल्स आफ्टर ट्रेड डिस्काउंट, ओके, इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यानी कि परचेज के ऊपर जो हमने किया है, और टोटल अमाउंट, तो ये हमारे पास में डिटेल होती है। हाँ जी, डिफरेंस बिटवीन लिखिएगा, डिफरेंस बिटवीन परचेज बुक एंड परचेज अकाउंट, ठीक है जी। तो देखिएगा, नंबर वन, परचेज बुक जो है, परचेज बुक और परचेज अकाउंट में क्या डिफरेंस है? तो परचेज बुक जो है वो पार्ट ऑफ जनरल है, पार्ट ऑफ जर्नल है, जबकि परचेज अकाउंट पार्ट ऑफ लेजर है। अच्छा जी, इसको हम परचेज बुक को डिवाइड नहीं कर सकते, डेबिट और क्रेडिट, जबकि हम डिवाइड कर सकते हैं परचेज अकाउंट को डेबिट और क्रेडिट। परचेज बुक के अंदर ओनली क्रेडिट परचेजेस ही रिकॉर्ड होती हैं, जबकि परचेज अकाउंट के अंदर कैश एंड क्रेडिट दोनों तरीके की परचेजेस रिकॉर्ड होती हैं। ठीक है, इसको ऐसा लिख लीजिए, फिर हम लिखते हैं सेल्स बुक। हाँ जी, देखना सेल्स बुक क्या, सेल्स जनरल में क्या होता है, ऐसी सारी ट्रांजेक्शन, ऐसी सारी चीजें जो कि क्रेडिट पे बेची जाती हैं और जिसके अंदर की कंपनी डील करती है, यानी कि जो कंपनी की गुड्स होती है, ऑल ट्रांजेक्शंस ऑफ गुड्स इन विच कंपनी डील्स इफ सोल्ड ऑन क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट पे अगर उसने बेची है तो ही वो सेल्स बुक में आएगी। जैसे परचेज बुक के अंदर आते हैं, ऐसे ही सेल्स बुक के अंदर क्रेडिट सेल्स आते हैं। अब सेल्स बुक को हम सेल्स डे बुक भी कहते हैं। और कौन सी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड नहीं की जाती है? एक तो कैश सेल्स और सेल ऑफ एसेट। सेल ऑफ एसेट को आपकी जानकारी के लिए बता दूं, हम जर्नल प्रॉपर के अंदर लिखते हैं। अच्छा, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन इन सेल्स बुक, किस तरीके से रिकॉर्डिंग की जाती है सेल्स बुक की? देखिए, जो हम इनवॉइसेस अपने डेटर्स को क्रेडिट सेल्स करने पे इशू करते हैं, उसके बेस पे हम सेल्स बुक बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइसेस इशूड टू डेटर्स एट द टाइम ऑफ क्रेडिट सेल, जिसके अंदर की ये डिटेल होती है, हैविंग फॉलोइंग डिटेल्स। क्या डिटेल होती है इसके अंदर? नंबर वन, डेट, पर्टिकुलर, पर्टिकुलर में नेम ऑफ डेटर, डिस्क्रिप्शन ऑफ गुड्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ट्रेड डिस्काउंट, लेजर फोलियो और डिटेल्स आफ्टर डिडक्शन ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। ठीक है जी, आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी,
इनपुट आईजीएसटी और सेल का टोटल अमाउंट और नेट अमाउंट, ठीक है जी। तो ये हमारे पास में सारी की सारी चीजें डिटेल इसकी होती है। देखना जी, नेक्स्ट है हमारे पास में परचेज रिटर्न बुक, या फिर इसको हम परचेज रिटर्न जनरल भी कहते हैं। ये क्यों यूज होती है? देखो ऐसा होता है, हमने कोई माल खरीदा, माल यानी कि गुड्स खरीदे, ठीक है, और उस गुड्स को खरीदने के बाद में हमें वो चीजें पसंद नहीं आई, ठीक। हमने कुछ गुड्स परचेज की क्रेडिट पे और वो चीजें हमें पसंद नहीं आई, हमने अपने क्रेडिटर को वो वापस कर दी, हमने अपने क्रेडिटर को वो चीजें वापस कर दी, तो उसके लिए क्या बनती है? परचेज रिटर्न बुक बनती है। तो देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ, दिस बुक इज यूज्ड फॉर, दिस बुक इज यूज्ड फॉर, यूज्ड टू रिकॉर्ड द रिटर्न ऑफ सच गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मतलब इसको एक तो कैश पे नहीं होगा, ये क्रेडिट पे परचेज किया हुआ है, और रीसेल पर्पस के लिए हमने इसे परचेज किया था, यानी कि ये चीजें थी, ये माल था हमारे लिए, हमने इसको खरीदा था और आगे बेचना था, लेकिन ये अप टू मार्क नहीं थी, हमारे लिए सही नहीं थी, तो हमने इसको रिटर्न कर दिया। अब जब हम रिटर्न करते हैं ना ये चीजें, तो हम क्या करते हैं, एक डेबिट नोट बनाते हैं। अब डेबिट नोट का मतलब क्या है? डेबिट नोट का मतलब ये है कि हम अपने क्रेडिटर्स को, जिनसे हमने ये सामान उधार पे लिया हुआ है, जिसको कि हम वापस कर रहे हैं अब, उनको हमें पर्ची बना करके देते हैं, जिसको कि डेबिट नोट कहते हैं। तो जब सामान हम वापस करते हैं तो डेबिट नोट उसके साथ बना करके हम वापस करते हैं। तो डेबिट नोट के अंदर क्या क्या चीजें होती है वो हमें देख रहा है। तो डेबिट नोट कंटेन नेम ऑफ सप्लायर, जिससे हमने सामान खरीदा था, जिसको कि हम वापस कर रहे हैं, डिटेल्स ऑफ गुड्स रिटर्न, यानी कि क्या क्या सामान हमने खरीदा था जो कि हम वापस कर रहे हैं, जो कि अप टू मार्क नहीं है, क्या रीजन है जिसको जिसकी वजह से हम गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं, और जो डुप्लीकेट कॉपी हमारे ऑफिस में थी उसको साथ में अटैच करना पड़ता है, और ओरिजिनल कॉपी सेंड टू क्रेडिटर इनफॉर्मिंग दैट हिज अकाउंट हैज बीन डेबिटेड ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? देखो जब हम सेल करते हैं, जब हम परचेज करते हैं, सेल की परचेज करते हैं और क्रेडिट पे परचेज करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट, ठीक है जी, परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट। तो अब रिवर्स एंट्री बना देंगे ना, जब हम इसको वापस करेंगे तो क्या एंट्री बनाएंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तो वो एंट्री कहाँ पे लिखी हुई होती है, ये ओरिजिनल कॉपी इसकी सेंड की जाती है, ये बताते हुए कि सर हमने आपकी एंट्री को रिवर्स कर दिया, अब इतने अमाउंट के लिए आप हमारे क्रेडिटर नहीं है, जो हमने गुड्स आपको वापस कर दिए, ये डेबिट नोट के अंदर मेंशन्ड होता है, ठीक है जी। तो आपसे कभी बार पूछा जाता है कि डेबिट नोट क्या होता है, क्यों इसको क्या नाम है यूज किया जाता है, तो आप उसमें ये सब लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सेल्स रिटर्न बुक, या फिर सेल्स रिटर्न जनरल भी कहते हैं इसको। जैसे हमारा परचेज रिटर्न बुक था ना, ऐसे ही हमारा सेल्स रिटर्न बुक है। परचेज रिटर्न बुक के अंदर हम क्या कर रहे थे, अपने क्रेडिटर्स को माल वापस कर रहे थे, है ना। परचेज रिटर्न बुक में हमने जो क्रेडिट पे सामान खरीदा था वो अपने क्रेडिटर्स को हम वापस कर रहे थे। अब क्या है, अब हमने जो सामान बेचा था ना क्रेडिट पे, और वो वाला सामान जिसके अंदर की बिजनेस डील करता है, वो किसी डेटर ने वापस किया। डेटर में मतलब, डेटर ने वापस किया का मतलब क्या है कि हमने इसको क्रेडिट पे सेल किया था किसी पर्सन को, उसने ये चीजें हमें वापस कर दी है, और वापस करी है तो ये कहां लिखी जाती है, सेल्स रिटर्न बुक में या फिर सेल्स रिटर्न जनरल के अंदर। तो देखिएगा यहाँ क्या लिखा हुआ, यहाँ लिखा हुआ दिस बुक इज, यहाँ लिखा हुआ दिस बुक इज यूज टू रिकॉर्ड द गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, हमारे डेटर्स, और ये गुड्स क्या थी, जिसके अंदर की कंपनी डील करती थी और जो कि क्रेडिट पे बेची गई थी। मींस दैट गुड्स, दैट मींस दीज गुड्स, दीज आर द गुड्स सोल्ड बाय द कंपनी ऑन क्रेडिट, but due to some reason debtor not accepted,
डेटर ने इसको क्या नाम है अपने पास में एक्सेप्ट नहीं किया, हमने उसको भेजा था क्रेडिट पे। अब इसके लिए क्या करना पड़ता है, कंपनी को एक क्रेडिट नोट बनाना पड़ता है। जब सामान हमारे पास में वापस आ जाएगा ना तो हम एक क्रेडिट नोट इशू करेंगे, ठीक है जी, किसको, जो पर्सन से हमने सामान वापस लिया है। अब क्रेडिट नोट के अंदर क्या क्या चीजें आती है, नेम ऑफ डेटर आता है जिससे हमने सामान वापस लिया है, क्या सामान वापस लिया है उसकी डिटेल्स आती है, कितने अमाउंट का सामान वापस लिया है वो आता है, डुप्लीकेट कॉपी जो कि सामान के साथ में इशू की गई थी जो कि ऑफिस ने रिटेन की हुई थी वो लगाई जाती है, और ओरिजिनल कॉपी सेंड की जाती है डेटर को और इन्फॉर्म किया जाता है कि आपका अकाउंट जो है क्रेडिट कर दिया गया है उस अमाउंट से जितना कि आपने सेल्स रिटर्न किया था। देखो अब इसका मतलब क्या है, जब हम क्रेडिट पे सेल्स करते हैं तो हम क्या एंट्री बनाते हैं, डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स, ठीक है। अब जब हम सामान वापस ले लेंगे, सेल्स रिटर्न ले लेंगे, तो हम डेटर्स अकाउंट को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे। तो वही यहां पे लिखा हुआ है क्रेडिटेड, तो हम अब क्या एंट्री बनाएंगे, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, यानी कि हमने डेटर्स का अकाउंट जो है वो क्रेडिट कर दिया है, तो इस चीज की सूचना हम उसको देते हैं, ठीक है जी। ये था हमारे पास में डेबिट और क्रेडिट नोट के ऊपर आपको जो है वो डिफरेंस कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, तो आप बता सकते हो, आपको इसको याद करना जरूरी है। डेबिट और क्रेडिट नोट के ऊपर शॉर्ट नोट भी पूछ लिए जाते हैं और डिफरेंस भी पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जो है अपने पास में लिख सकते हैं।